तो टॉपिक आपका कौन सा है? प्रोटीन सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आज आपको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, कोई भी जीवधारी प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है और क्यों करता है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है क्यों करता है, क्या आवश्यकता है कि जीवधारी प्रोटीन बनाता है। हम प्रोटीन, क्या हमारा शरीर जो है प्रोटीन बनाता है? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने की क्षमता है? बोलो, है या नहीं है? यदि है तो हम अलग से प्रोटीन लेते क्यों हैं? फिर दाल क्यों पीते हैं, अंडा क्यों खाते हैं, मांस क्यों खाते हैं? और यदि करता है तो क्यों खाते हैं, है ना? और नहीं करता है तो उसका लॉजिक दो। क्या हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता है? है? हर एक जीवधारी के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता होती है। क्यों क्षमता होती है? क्योंकि प्रोटीन ही आपके शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, सेल को क्या माना गया है, कोशिका को क्या माना गया है, फंक्शनल यूनिट माना गया है। किसी भी जीवधारी के शरीर की कोशिका जो होती है उसकी संरचना और कार्य की इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और उस कोशिका का निर्माण भी प्रोटीन से होता है, कोशिका बिना प्रोटीन के नहीं बन सकती। शरीर जो आपका ये बना है कोशिकाओं से बना है, और वो कोशिकाएं मिलके जो शरीर बना रही हैं, शरीर का मेन जो आपका कंपोनेंट है वो कौन सा है, इस शरीर को बनाने का कंपोनेंट क्या है, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे त्वचा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे जो है आपके मसल्स हो, चाहे विसरल ऑर्गन्स हो, सभी तो प्रोटीन के बने हैं। तो शरीर का निर्माण भी प्रोटीन से हुआ है। बेसिक कंपोनेंट आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने वाला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन किस में है? प्रोटीन में। प्रोटीन आपके शरीर, आपका मतलब कोई भी जीवधारी, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोई भी जीवधारी, उसका शरीर किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और उस शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसके कारण वो शरीर जीवित है, वो वाइटल एक्टिविटीज जैविक क्रियाएं भी बिना प्रोटीन के संपादित नहीं हो सकती। आपके शरीर के अंदर जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो 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 भी सेंसरी काम हम कर रहे हैं, या शरीर के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये तो हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, उन सब के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे काम बिना एंजाइम या हार्मोन के, और जो एंजाइम और हार्मोन है वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? तो आप देखिए, संरचना शरीर का निर्माण भी किसने किया, और शरीर के अंदर जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ के संचालन में भी किसका रोल है? क्यों? क्योंकि उन एक्टिविटीज़ को संचालित करने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम या हार्मोन कर रहे हैं। और एंजाइम हार्मोन किस चीज़ के बने हैं? तो आप सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। हमारे जीवन का मतलब इस पूरे लिविंग किंगडम, जैविक जगत
कि हर एक प्राणी, हर एक जंतु, हर एक पौधे के जीवन का कितना अहम जो है हिस्सा है प्रोटीन, और उसकी सिंथेसिस करने की क्षमता हर एक जीवधारी के अंदर होती है, चाहे वो एक कोशिका का कोई जीवधारी हो और चाहे हमारे जैसा जटिल शरीर वाला हो, सबके अंदर प्रोटीन बनती है ना। अब अलग से हम प्रोटीन क्यों लेते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसके लिए क्या है भाई, कुल टोटल हमने बताया था कि 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट आपको पता है? यस सर। बताइए एसेंशियल किसे कहते हैं? एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारे जीवन में एसेंशियल का हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। यस, एसेंशियल का मतलब है ऐसे अमीनो एसिड्स जिनकी सिंथेसिस हमारा शरीर नहीं कर सकता, उन्हें हमें नीड होती है। वो अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस करने की क्षमता किसके पास होती है? पौधों में होती है। पौधों के अलावा जंतुओं के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं हो सकती। कोई भी जंतु एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस कौन सिंथेसिस करेगा? पौधा। अब वो हमको मिलेंगे कहाँ से? पौधे से। डायरेक्टली भी पौधे से मिल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी। अब कहोगे कि हम मांस खाएंगे तो फिर कैसे मिल जाएगा? तो मांस किसका होगा? किसका होगा? किसी ना किसी जीव, और उसका मांस बना कैसे? उसने बकरी का, यदि मांस खाया तो बकरी ने क्या खाया? घास। तो घास से उसके अंदर आए, वहां से हमने ले लिए, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। सीधे हमने प्रोटीन दाल पी ली तो डायरेक्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए शाकाहारी बनो, डायरेक्ट लो, इनडायरेक्ट काहे लेते हम, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है जिनकी सिंथेसिस आपके शरीर के अंदर नहीं होती है, जिन्हें आपको बाहर से लेने की ज़रूरत होती। ले लिया प्रोटीन, हमने ली, मांस खाया या अंडा खाया या दाल पी, किसी भी रूप में हो गया, मुंह से एलिमेंट्री कैनाल में, आमाशा में पहुंचा और छोटी आंत तक वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने का मतलब क्या? वो प्रोटीन जो हमने खाई वो अमीनो एसिड्स में टूट गई। अब वो अमीनो एसिड्स कहाँ पहुँच गए? ब्लड में। अवशोषित होके कहाँ आ गए? ब्लड से कहाँ चले गए? सेल्स में, बॉडी की सेल्स के अंदर अमीनो एसिड का पूल साइटोप्लाज्म में है, वहाँ पर जाके इकट्ठा हो गए। अब जब हमारे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो वो अमीनो एसिड फिर आके जुड़ेंगे और एक नई प्रकार की प्रोटीन का, समझ में आया? तो हम जो प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी नहीं करता है, वो प्रोटीन टूटती है अमीनो एसिड्स में, वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी की सेल्स के अंदर जाते हैं और फिर से रीयूनियनेट होकर फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस, और ये काम किसके माध्यम से होता है? जीन के माध्यम से होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर? जीन के अंदर है। हमारा इतना बड़ा शरीर बन गया, क्या इतना ही बड़ा था शुरुआत से? हमारा शरीर जो है कभी एक कोशिका का था, स्पर्म ओम के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, वो जाइगोट हमारे शरीर का आरंभ था, एक ही कोशिका तो थी, और उस एक कोशिका के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और उन्हीं जीन्स का कमाल उन्होंने क्या किया, पहले धीरे धीरे करके ये शरीर बनाया। कैसे बना? प्रोटीन बनाया तभी तो शरीर बना, और शरीर बनने के बाद शरीर को चलाने के लिए एंजाइम और हार्मोन बनाया, वो भी किसने बनाया? जीन ने ही तो बनाया, है ना। और इससे देखो धीरे धीरे करके इतने बड़े हो गए हम, बोलो। तो ये काम
प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। और इस प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था सबसे पहले, किसने प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट किया दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक, लिख लीजिए फ्रांसिस क्रिक, एफ क्रिक। एफ क्रिक ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, डिस्क्राइब प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो क्रिक ने दिया। और इसी को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो जीन एक्सप्रेशन यदि आपसे पूछा जाए तो भी आप कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस होना, एक्सप्रेस होने का को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकट। तो जीन अपने आप को प्रकट करेगा, तो जीन अपने आप को कैसे प्रकट करेगा, कोई ना कोई प्रोटीन बना के ही तो प्रकट करेगा, बोलो। जीन का एक्सप्रेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को हम जीन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो, तो इसके लिए दो मॉडल दिए गए, यानी कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दो मॉडल हैं। पहला मॉडल क्या है? पहला मॉडल है जीन का मतलब डीएनए। डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो उससे बनता है आरएनए, और आरएनए का होता है ट्रांसलेशन, तो इससे बनती है प्रोटीन। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ उससे आरएनए बना, और आरएनए का ट्रांसलेशन हुआ उससे प्रोटीन हुआ। ये है, ये फर्स्ट मॉडल है जीन फ्लो का, है ना। और दूसरा एक और मॉडल है डीएनए आरएनए प्रोटीन, और साथ ही साथ डीएनए अपना रेप्लिकेशन भी करता है।
इसमें और इसमें अंतर क्या है, पहले और दूसरे में क्या अंतर है? ये पहला वाला क्या है? पहला वाला है वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। और ये बाद में खोजा गया, ये क्या है, इसमें रिवर्स हो गया, रिवर्स फ्लो ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इंफॉर्मेशन। ये दूसरा है रिवर्स फ्लो ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इंफॉर्मेशन। तो यहां देखो डीएनए से आरएनए बनना है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन है, और कभी कभी आरएनए से डीएनए बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी खोज बाद में हुई, किसने खोज की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज, किसने की थी? यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टैमिन और बाल्टीमोरे, ये बता चुके हैं इसके पहले भी, इन्होंने की थी। इसे इस प्रोसेस को इसीलिए टिमिनिज्म बोलते हैं, है ना, टिमिनिज्म का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि खोज करता थे टैमिन और बाल्टीमोरे। तो क्या है प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। किस रूप में, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में है, जेनेटिक कोड के रूप में है। बोलो, जेनेटिक कोड आपको पढ़ा चुके हैं, ट्रिपलेट होता है किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। बोलो, जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में है, और वही न्यूक्लियोटाइड, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक जो सीक्वेंस है वो एक कोड है, और वो कोड किसी ना किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास जो है वो किस रूप में है, कोड के रूप में है। बोलो, तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में या जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया में ये डीएनए क्या करता है, अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जेनेटिक कोड के रूप में, इसको ट्रांसफर कर देता है आरएनए को। यानी कि डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी ये किसके पास आ गई। ऐसा ये क्यों करता है, उसका रीजन समझो। जो सेल है उस सेल के अंदर ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। बोलो, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, बात समझिएगा। जो हमने दाल पी या मांस खाया या कुछ भी किया, प्रोटीन किसी भी रूप में ली, वो डाइजेस्ट होके ब्लड में गई, ब्लड से कहाँ गई, तो सेल्स में जो अमीनो एसिड, प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बने, अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड कहाँ आए, सेल्स में। सेल्स के अंदर अमीनो एसिड आ गए कहाँ पर, यानी कि अमीनो एसिड का पूल कहाँ है, पूल का मतलब तालाब होता है, अमीनो एसिड आपकी सेल्स के अंदर अमीनो एसिड कहाँ पर इकट्ठा है, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पूल है। तो यदि प्रोटीन बनती है तो कहाँ पर बनेगी, जब ये अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगी। अब ये तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक इनको कोई आदेश नहीं मिलेगा, किस क्रम में जुड़ना है उसका आदेश आना चाहिए। बॉस कहाँ बैठे हैं, ये बॉस हैं,
ये बॉस है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं, क्या किस समय क्या करना है। ये अमीनो एसिड अलर्ट बैठे हैं कि तू यहाँ से जो ही आदेश आएगा, और किस किस के लिए आदेश आएगा, यहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या में अमीनो एसिड हैं तो 20 ही प्रकार के, लेकिन वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, है ना। और यहाँ से सूचना आई कि अमीनो एसिड नाम भेज दिए गए, है ना, नाम भेज दिए गए कि ये 10 अमीनो एसिड आ जाएं, इनकी ज़रूरत है। तो जितने भी 10 अमीनो एसिड, 10 का मतलब 10 प्रकार के, संख्या तो बहुत होगी उनकी, तो वो सब भाग के आ जाएंगे यहाँ। और उसके बाद वो जो आदेश होगा उसमें ये भी कहा जाएगा कि किस क्रम में खड़े होंगे, तो सारे अमीनो एसिड उसी क्रम में खड़े हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। डीएनए खुद तो बाहर जा नहीं सकता, बॉस है, खुद बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये बॉस है, ये अपनी सूचना भेजेगा मैसेंजर के रूप में, है ना। तो ये डीएनए इसीलिए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए ने के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये खुद बाहर नहीं जाएगा, बोलो, तो वो इन्फॉर्मेशन वो किसको दे देगा, एमआरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, और जो ही साइटोप्लाज्म में आएगा अमीनो एसिड आगा के जुड़ जाएंगे उसी क्रम में और प्रोटीन बन जाएगी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड के रूप में, न्यूक्लियोटाइड के रूप में डीएनए के पास है। डीएनए क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बात समझ में आई, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए खुद लेके बाहर खुद नहीं, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ही बाहर पहुंचानी है, तो वो अपना मैसेंजर बनाएगा, दूत बनाएगा, डाकिया बनाएगा, और डाकिया बनाने के लिए वो क्या करेगा, हाँ, मैसेंजर आने। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्क्रिप्ट का चेंज हो जाना, ट्रांसक्रिप्शन, नाम समझिए, नाम से समझिए, स्क्रिप्ट का चेंज हो जाना। स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, स्क्रिप्ट मतलब जैसे हम हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखते हैं, तो हमारी जो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है वो क्या है, देवनागरी। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है, रोमन। इंग्लिश किस में लिखी जाती है, ऐसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा है, लेकिन लिखावट क्या है, अरबी या फारसी, फारसी है। उर्दू किस में लिखी जाती है, तो फारसी, फारसी है या अरबी है, फारसी अरबी खुद भाषा है, हैं, हैं? तो जो स्क्रिप्ट है उर्दू की वो क्या है, वो फारसी है। इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है, रोमन। हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, तो स्क्रिप्ट का चेंज होना क्या होता है वो समझ लीजिए, बहुत आसान है। एक यहां पर हमने लिखा, ये क्या लिखा है, बोलो, और ये क्या लिखा है, बोलो, और ये क्या लिखा है, चीज तो सब एक ही है, बोलो, ये इन दोनों को पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, अभी बहुत आसान भाषा में समझ जाओगे। यहां पे हमने लिखा, यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, डीएनए किससे बना है, बोलो, डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए की इकाई,
दोनों की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड हैं। बस इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। और थायमीन है। और इसमें क्या है, राइबोस शुगर है और यूरेसिल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसकी इकाई क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। आप गए, मान लिया लंदन गए आप, और एक फ्रूट्स की शॉप है, फलों की दुकान है, और बढ़िया सा आम लगे हुए हैं उस दुकान पे। आप गए और उससे कहा, भैया आम दे दीजिए हमको एक किलो, क्या वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। बोलो नहीं। वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप चिल्लाते रहिए, भैया आम दे दीजिए, भैया आम दे दीजिए, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर आप दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अच्छा ये तो अंग्रेज है, ये क्या है, अंग्रेज है, तो उसको अंग्रेजी में लिख के देते हैं। तो आपने एक पेन लिया और कागज पे लिखा AAM, आम। ये अभी तक क्या, आम ऐसे लिख के यदि उसको आपने दिया तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, करेगा नहीं। अब आपने दिमाग लगाया, कहा ये तो अंग्रेज है, तो उसको अंग्रेजी में लिख के देते हैं, तो आपने ऐसे लिख के दे दिया। अब वो देखेगा, पढ़ लेगा, पढ़ लेगा नहीं पढ़ लेगा, पढ़ लेगा। आप भी कहोगे AAM आम, वो भी कहेगा AAM आम, लेकिन वो आपको आम देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो पढ़ तो रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड अभी भी नहीं कर रहा। तब फिर थोड़ा और आप दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अच्छा ये नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या कर दिया जाए, ट्रांसलेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो इसको आपने ट्रांसलेट किया, अनुवादित कर दिया दूसरी भाषा में, और आपने क्या लिख दिया, मैंगो। ज्यों ही आपने मैंगो लिख के दिया, उसने तुरंत ही आपको, सेम वही फिनोमिना हमारे शरीर के अंदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास, किस भाषा में, न्यूक्लियोटाइड की भाषा आपका शरीर नहीं समझता। तो ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में। डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन, पहले तो ऐसे चिल्लाया, यहाँ से बार बार चिल्लाया, ए वो जो है प्रोटीन आई है उसको पचाने वाला एंजाइम बना 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 बना, डीएनए यहाँ से चिल्ला रहा है, यहाँ अमीनो एसिड सो रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की भाषा ये, आपने प्रोटीन पिया, आपने दाल पी, दाल आपके पेट में पहुंच गई, अब दाल को पचाने के लिए पेप्सिन ट्रिप्सिन ये एंजाइम चाहिए, पहले से भरे तो रखे नहीं हैं, तुरंत बनते हैं। अब डीएनए चिल्लाना शुरू किया, वो आ गई दाल, आ गई, इसको पचाओ 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 पचाओ। भाषा कौन सी इसकी है, न्यूक्लियोटाइड की भाषा। ये शरीर रिस्पॉन्ड, इसको केवल एक भाषा समझ में आती है, प्रोटीन की भाषा। तो इसने क्या किया, झट से अपना मैसेंजर बनाया, कहा कि यार जा, हम तो जा नहीं सकते हैं, तू जा और जाके वो आई है दाल आई है उसको पचवा। अब ये जब वहाँ गया, ये निकल के आया बाहर, अब ये चिल्ला रहा है वो दाल आ गई है उसको पचा पचा पचा, पचा। इसको भी कोई रिस्पॉन्ड, क्यों? क्योंकि भाषा इसकी भी। तब इसने कहा कि जो बॉस ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन पे कुछ काम हो नहीं रहा है, तो इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो इसने जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज थी उसको अमीनो एसिड की लैंग्वेज में, और ज्यों ही अमीनो एसिड की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो कोई ना कोई एंजाइम या हार्मोन बना, और वो तुरंत जाके उस पर एक्ट करेगा और काम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये पूरा प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पर क्या हुआ, आम ये देवनागरी में लिखा था और ये आम रोमन में लिखा है ना, ये दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। सेम वही डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे इसको पढ़ रहे हो तो आम, इसको पढ़ रहे हो डीएनए को पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड, आरएनए को पढ़ोगे, लेकिन स्क्रिप्ट अंतर है। यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, यहाँ यहाँ थायमीन था, यहाँ क्या हुआ,
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया? क्या मतलब है? स्क्रिप्ट का चेंज होना। और उसके बाद आरएनए की भी अभी स्क्रिप्ट चेंज हुई है, स्क्रिप्ट चेंज हुई है, लैंग्वेज चेंज नहीं। इसको क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या पढ़ रहे हो? भाषा बोलने में तो कोई अंतर नहीं आया ना। जैसे इसको क्या पढ़ रहे हो, इसको क्या पढ़ रहे हो, बोलने में तो सेम आ रहा, केवल स्क्रिप्ट ही तो चेंज हुई है। काम होगा? तो अब ये आरएनए क्या करेगा, अपनी स्क्रिप्ट जो, अब ये क्या करेगा, भाषा ही चेंज कर देगा। अभी क्या हुई थी, स्क्रिप्ट चेंज हुई थी, अब ये क्या करेगा, तो ये भाषा जब चेंज करेगा न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज में क्या करेगा, ट्रांसलेशन कर देगा, प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन काम कर देगी। अब कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी, ये था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी, समझ में है ना। अब इसको ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसकी डिटेल स्टडी पूरी करनी है, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।